गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप तुम सभी लोग ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने पिछला व्लॉग बहुत मुश्किल से गया, वो यहाँ पे ना मेरा एयरटेल चलता नहीं है तो मैंने इसका हॉटस्पॉट लेके और इसका पूरा नेट ख़त्म करके, क्योंकि वो 2 GB का था। और हम अब आज दूसरा दिन है मेले में जाने का और हम जाएंगे, और इनको फ़ोन से निकालता कोई तो हम आज अक्षु के न्यू वाले घर में सोए थे और अक्षु का पुराना वाला घर यहाँ है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं अक्षिता कल्टा? अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं नीचे, और ये मेरी गाय है, दो इसकी गाय गाइस जिसकी सींग है, इसका नाम चुलबुली है और ये परे वाली लाली है। और गाइस मेरा गांव है, यहाँ पार मेला है, इतना नज़दीक है, यहाँ पार मेला है। और ये देखो ये कितना ऑल्टो खड़ी है। सुबह सुबह मंदिर का दर्शन करो गाइज, जय करो जय। ये दादी है अक्षु की, और ये इसकी गुन्नू की मम्मा है। और ये दादू है अक्षु के, और ये नहीं मुझे पता, ये दादू ही है अक्षु की मम्मा है। सो गाइस नहा के आ गई हूँ मैं, और ना गाइस अभी मैं अपने को देख रही थी शीशे में, मतलब मेरे को टाइम नहीं लगा था, और मैं इतनी काली हो गई हूँ ना शट्टिया, मेरे को इतनी वो हो रही है ना कि मैं शिमला में ना अलग ही लग रही हूँ सबसे, इतनी काली होगी सिर्फ 2 दिन में यार, इतनी तो मैं वहाँ पे भी नहीं हुई थी काली यार। और ये दरवाजे इतने भारी है, इनको तो खोलते खोलते तो मैं ही खुल जाती हूँ। गाइस मैं नहीं पहन रही सूट अभी भी नहीं, मैंने सोचा था सूट पहनूंगी पर नहीं पहन रही, गाइस मुझसे नहीं पहना जा रहा है सूट, क्योंकि हम लोगों ने उसमें ड्रैगन वाले में जाना है। तो फिर मेरा लास्ट डे है और फिर कल मैं जाऊंगी चली शिमला, और शिमला में गई मम्मा भी नहीं है पता, मम्मा तो गाँव में, मैं सोच रही थी गाँव ही चली जाऊं, पर फिर मैं चाकू का बर्थडे भी है तो, और मैंने तुम्हारे को पिछले ब्लॉग में बोला था मेरी तारीफ़ करो कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, आज नहीं किया मैंने मेकअप, एक मुझे बोल रहा था, एक ने मुझे कमेंट किया है कि क्या बोलते आप पहाड़ी लोग पहले ही सुंदर होते हैं और फिर मेकअप, ऐसे कुछ मेकअप था, फिर मेकअप क्यों लगाते हो, ऐसे कुछ था। तो गाइस वो मेकअप नहीं होता है, वो बस टचअप होता है, मैं सिर्फ एक क्रीम लगाती हूँ BLCC, वो भी थोड़ी सी 1, 2, 3, 4 डॉट, वो मैं सनस्क्रीन 4 बार लगाती हूँ अपने मुँह में, पहले देखो पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी ठीक है, उसमें कोई मेकअप नहीं है सबसे पहले बात, और फिर मैं उसके बाद लगाऊंगी सनस्क्रीन, फिर उसके बाद मैं BB क्रीम लगाती हूँ यहाँ 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 और यहाँ यहाँ, बस इतनी, फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर से दोबारा सनस्क्रीन लगाती हूँ कि मेरे को उसकी वजह से मेरी मतलब सनस्क्रीन ना मिट जाए इसलिए, अब बस इतना ही है। और अगर मैं 3-4 बार कोई क्रीम लगा रही हूँ ना, इसका मतलब वो है कि मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ कि मेरे थोड़ा ग्लो आ जाए, और मैं और कुछ मेकअप नहीं होता, वो आईलाइनर लगाती हूँ मैं, सिर्फ आईलाइनर प्लीज़, उसको मेकअप तो मत बोलो गाइस। तो गाइस हम चुलबुली से इंटरव्यू लेंगे कि सींग इतने बड़े क्यों हैं, तो हेलो चुलबुली, ये देखो आपके लिए घास आया है, और ये चुलबुली के सींग तो चुलबुली है ही नहीं, तो हम इसके सींग में छुएंगे, और ये है हमारी, ये कौन सी थी, लाली 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 है, ये लाली है, इसके कान भी बड़े बड़े हैं, और आई लव गाइस गाइस गोज गाइस गोज, कहाँ जा रही है तू, और ये इतने प्यारे हैं गाइस, हाथी इतने प्यारे हैं, लाल 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 से, नमस्ते नानी, ये पता मतलब परे, ये देखो कितना ज्यादा सुंदर है हॉल, इतने ब्लर क्यों मार रहा है मेरे, मेरी नानी है सबसे छोटी वाली, हाँ अब दीदी रेडी हो गए, दीदी तो उस टाइम बच्चा ही लग रहा था।
सो गई यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत दीदी और मैं तो छाते में ही चले, और दीदी कुछ बोलना चाहोगे? बहुत गर्मी है, पता नहीं हम क्यों जा रहे हैं पागलों की तरह, बट कोई बात नहीं, मेला हमेशा नहीं लगता है, थोड़ा सह लेंगे आज के दिन। बस आज लास्ट में रह गई इस बार, खैर नहीं अब कोई मेला शेला, कल सारे अपने अपने ठिकाने पर हो गए। मुझे मेरी क्लासमेट मिली है, हम लोग पता कब से क्लासमेट है गाइस, 7th क्लास से, और मतलब हमने इतने सीन किए हैं ना, मतलब ज़्यादा भी नहीं पर हाँ हमने किए हैं, हाँ बहुत, पर और हमारे घर है, मम्मी को तो पता भी नहीं है इसका गाँव है गाइस, ना शॉपिंग कर रहे हैं, रिंग्स वगैरह ले रहे हैं, और इयर रिंग्स यहाँ ऊपर बहुत सुंदर है, पर ये बहुत ज़्यादा महंगी है गाइस। गाइस हमने शॉपिंग मतलब हल्की हल्की सी शॉपिंग कर ली है, और नाउ वी हैव ये क्राउड गाइस, अभी तो बहुत कम है और अभी थोड़ी देर में आएगा, और फिर से आज हम दोनों ही हैं, अक्षु आज फिर से गुम हो चुकी है, सो अब आज तो गाइस एक और नया झूला लगा है, शायद इसमें तो हम बिल्कुल अलाउड नहीं हुए छोटे बच्चे के लिए दिस झूला गाइस, इसमें इतने मजे आते हैं, मैं आज तक नहीं गई हूँ, मैं इन लोगों को देख अंकल हीरो बन के आओ फिर तब लूंगी आपकी फोटो। ज्वाइन बनाना, ये ब्लॉग कर दिया और बना के ज्वाइन बनाना, देखो मेरो देख लो ये लड़ो भाई, बढ़िया नौकरी करते हैं, ठीक है बढ़िया है, यहां जैसा मैं क्यों हम भी आपकी तरह मेहमान हैं।
दीप्ति सुगास्ता उर्फ आया। अरे वो आया नहीं, आया वो बोल बोलता आया आया बोल आया। अच्छा स्टार्ट हो गया। गाइस हम आज बनिया गई थी, आज जानते हैं मिस्टर तिशुकास्ता जी जो यहाँ के बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, तो हम आपको भी बताते हैं, ये हमें यहाँ बनिया का इतिहास बताएंगे। महाराज 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 तू बात है सन 1990 की, बड़ पारी महाराज देखिए ऊपर सूरज इसको सूरज जी नहीं पता एक बार यार जल्दी जल्दी अब दिले कोई जान दूर दिया यार। वो देखिए पार जो वहाँ से पहाड़ है ना, वो बोलते हैं वहाँ से आगे पृथ्वी खत्म। एक बार ऐसा हुआ महाराज, मेरे दादा हम नीचे रजाई झाड़ रहे थे, ऊपर से बड़ बड़ी वो नहीं होती क्या गिद्ध हमारे यहाँ बोलते लूती महाराज, सोना चांदी लोहा पीतल सारा मिला, बड़ बड़ी महाराज क्या बोले आप। सो गाइस फाइनली सीट मिल गई हमारे को, कोई भी चेयर लेके बैठो, विशु की गोद में बैठो। गाइस ये मेरे पड़ोसी है ये वाले अंकल, अभी मेरे को देखेंगे ना तब मैं रिएक्शन बताऊंगी, मेरे से मेरे को हंसी आ रही है। अंकल देख लिया। गाइस अब तो हम लोगों ने इतनी बार उस झूले में राउंड मार दिया, इतनी बार अब तो हम थक गए उस झूले में झूल झूल के, और अब तो आंखों से आंसू आ रहे हैं मेरे, मेरे को तो कुछ कुछ हो रहा है। गाइस हम लोग दोबारे आ गए हैं इस राइड में, बार दीदी भी है। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है, और अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ मेले से गिफ्ट लूँ और कुछ भी अच्छा नहीं था, मतलब अजीब और बहुत महंगा दे रहे थे। कभी कभी क्या है ऐसे पे मोस्ट ऑफ लोग ऐसी वीडियोस पोस्ट करते हैं, तो अगर कभी ऐसी वीडियोस दादाजी वगैरह को दिखा दो ना, तो वो तब तक वो अगर 20 मिनट की वीडियो है ना, वो पूरी 20 मिनट की वीडियो देखेंगे, पता नहीं क्या सोच के वही बंदे दिख रहे हैं, वही उनको इनका स्टाइल हो रहा है डांस करने का एक ही, फिर भी वो लोग ना पूरा देखते हैं, मतलब भाई मतलब सर दर्द हो जाए, मतलब है तो ये चलना बट Thank you.
गाइस फाइनली मेला खत्म और इतनी सरदर्द हो रही है। ये कहाँ जा रहा है चाचू का? ये मेरे चाचू की बिगड़ी हुई औलाद है, ये मेरे चाचू की बिगड़ी हुई औलाद है, सुनता नहीं है। अच्छा और मैं गाइस बोलो प्लीज महक दीदी का चैनल सब्सक्राइब करो और हमारे मेले की वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट में बताना हमारा मेला कैसा रहा। थैंक यू बोल दो। थैंक यू। फ्लाइंग किसी कर दो जल्दी। फ्लाइंग किसी कैसे करते हैं? फ्लाइंग किसी कैसे? ऐसे बोल दे आई लव यू। आई लव यू बोल दे। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। कितना क्यूट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं थोड़ा डेली ब्लॉग्स का ट्राई करूंगी और फिर ठीक है। फिर अभी मैं काली लग रही हूँ तो कल मैं अच्छी लगूंगी शायद। तो फिर कल बात करते हैं। बाय बाय।